आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। साफ तौर पर एक बड़ी बात यहां से निकलकर सामने आई है, बैंक इलेक्टोरल बेचना बॉन्ड बंद करे ये कहना है, और साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और बैंक इलेक्टोरल बेचना बॉन्ड बंद करे ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, और लगातार हम देख रहे थे कि इसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। तो ऐसे में साफ तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। तो लगातार तमाम बिंदुओं पर चर्चा के बाद इस तरह की जो बात है वो निकलकर सामने आई है, और ये बड़ा फैसला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, आप देख सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। विकास हमारे सहयोग